अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एशियन कुजीन। आज मैं आपको पंजाबी गाजर का हलवा सिखाऊंगी, जो बहुत इजी रेसिपी है और इसमें ज़्यादा लवाजमात भी नहीं डलते हैं। और मैंने और मज़ीद इसको आसान कर दिया है, आप अपने बजट में रहकर इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। तो आइए हलवे की तरफ चलते हैं। देखें, ये हमने एक बड़ा पैन लिया है, इसे मैंने स्टोव पर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 kg गाजर मैंने ली थी फ्रेश, बिल्कुल रेड एकदम, तो मैंने उसे कद्दूकश कर लिया है। और उसके बाद ये उसका प्रोसेस ये है कि अब हम गाजर को अपने पॉट में डालेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। हम इसको पकाएंगे ढककर जब तक कि ये अपने पानी में ही गल ना जाए और ये पानी इसका रिड्यूस होके कम हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, राइट। जब ये इस तरह बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी तब हम इसके अंदर अपना दूध ऐड कर देंगे, जो कि 4 लीटर है। गाजर, अगर आप जितनी गाजर लें आप उसी उसी की डबल क्वांटिटी में दूध लेंगी, अगर आपको खोया नहीं डालना है, राइट। गाजर के अंदर हमने लिड लगा दी है अपने पॉट पर। अब ये स्लो हीट पर पकती रहेंगी, लेकिन हमें इससे बेखबर नहीं होना है। हमने वक्तन फवक्तन इसमें स्पून चलाना है ताकि अगर नीचे की गाजर सॉफ्ट हो जाए तो हम उसे ऊपर नीचे कर दें और जले भी नहीं। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, अक्सर हलवे इसी वजह से ख़राब होते हैं कि हम उसे बार बार चलाते नहीं हैं और वो जल जाते हैं, तो जलने की स्मेल जो है वो तो आपके सारा हलवा ही ख़राब कर देगी। तो आप बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद स्पून इसमें चलाती रहें, राइट। देखिए, हमारी गाजर को तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं स्लो हीट पर पकते हुए, तो अब ये गल भी चुकी हैं और इनका पानी भी खुश्क हो चुका है। देखें किस कदर गल गई हैं ये, और कलर भी कितना अच्छा हो गया है इसका। ये इस प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो आपकी गाजर का कलर ख़राब नहीं होगा, आपका हलवा बिल्कुल रेड रहेगा, राइट। अब हम इसके अंदर 4 लीटर मिल्क ऐड करेंगे, फिर हम उसके अंदर अपनी गाजरों को पकाएंगे जब तक कि गाजर हमारी गल ना जाए। अब हम दूध ऐड कर रहे हैं। दूध ऐड करने के बाद इसे खोल कर पकाएंगे, हम लिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लिड लगा देंगे तो दूध उबल जाएगा और गिर जाएगा। और खोल कर हम पकाएंगे, लेकिन इसमें हम वुडन स्पून यूज़ करेंगे ताकि वो गर्म भी ना हो, और उसको इसमें छोड़ देंगे हम स्पून को ताकि दूध उबले भी नहीं, राइट। तो आप इसे इस तरह पकाती रहें, जब दूध भी हमारा ड्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। 1/2 kg मैंने शुगर ली है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है असली घी ऐड करेंगे, फिर हम इसमें अपने ड्राई मिल्क भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें खोया नहीं डाल रहे। ये जो हमने दूध डबल क्वांटिटी का लिया है तो ये खुद ही खोया बन जाएगा इसके साथ पक पक के। अब हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, और इसे खोल कर हम पकाएंगे। देखें, हमारा दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब हम इस पे शुगर डाल देंगे, जो मैंने 1/2 kg ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप कम खाती हैं मीठा तो आप कम लें, और अगर ज़्यादा खाती हैं तो आई थिंक 1/2 kg शुगर इसमें बिल्कुल सेट रहेगी। अब शुगर डाल के हमें इसे मुसलसल स्पून चलाना है, हमें इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि शुगर जो है वो पकने के बाद कैरेमलाइज हो जाती है और वो फिर इसके बॉटम में लग भी सकती है, जिसकी वजह से हलवा ख़राब हो सकता है आपका। अब हम थोड़ी थोड़ी देर में इसमें स्पून चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। अब हमें मुस्तकिल चूल्हे के सामने खड़े रहना है, आप इस तरह छोड़ के इसको मत जाइएगा, वरना शुगर नीचे जल के लग जाएगी। जब तक कि यह चीनी का पानी भी ड्राई नहीं हो जाता, हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, राइट। देखें, ये हमारा चीनी का पानी भी ड्राई हो गया है, तकरीबन ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर असली घी ऐड करेंगे। ये घर का ही बनाया हुआ असली घी है, मैं बलाई से इकट्ठा करके और उसका घी निकाल लेती हूँ, तो ये घर का ही असली घी है। ये मैंने डाला है 1 कप यानी 200 ग्राम। आप इससे ज़्यादा मत डालिएगा, वरना
हलवा बहुत ज़्यादा आपके लिए हैवी हो जाएगा, राइट। अब हम इसे मुस्तकिल इसमें स्पून चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। अब सिर्फ हमें इसे भूनना है यहाँ तक कि बिल्कुल ये किनारे ना छोड़ने लगे। जब ये हलवा हमारा बन जाएगा तो उसकी निशानी ये है कि किनारे छोड़ेगा और एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। इट मीन्स कि हमारा हलवा रेडी है। इसके थोड़ी देर बाद ही अभी साथ ही में हम इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे। 2 कप नीडो है या कोई भी आपको पाउडर मिल्क हो आपके पास, और अगर वो भी ना हो तो आप फिर खोया मंगा के डाल दिएगा, फीका खोया जो हमारे डेरीज पे मिलता है, तो आप वहाँ से खोया मंगा के लास्ट में डाल दें बिल्कुल, वो तो बिल्कुल एंड में डलता है। लेकिन इस स्टेज पर हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे क्योंकि हमें कोई हलवा बनाना है, जल्दी बनाना है, राइट। देखिए ये काफ़ी हद तक पानी इसका ख़त्म हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें 2 कप ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। ड्राई मिल्क जो है इसमें ऐड करने से इस स्टेज पे ये होगा कि ये खोए की शक्ल में ही आ जाएगा, राइट। तो हमने 2 कप मेजरिंग कप से आप नाप के 2 कप ड्राई मिल्क ले लें, पाउडर मिल्क सॉरी, तो वो लेके आप इसमें डाल दें और इसको भूनें अच्छी तरह जब तक कि ये किनारे ना छोड़ने लगे और घी अलग ना हो जाए, राइट। हमें इसको इसी तरह भूनते रहना है और अब बिल्कुल भी हमें चूल्हे के सामने से नहीं हटना, मुसलसल इसमें हमें चम्मच चलाना है। और इस तरह हमारा देखिएगा कितना लजीज और टेस्टी हलवा तैयार होगा। और आपको तो मालूम है सर्दियों में जो है इस किस्म की चीज़ें बहुत खाई जाती हैं और ये ताकत भी देती हैं। प्लस ये कि सर्दियों में चूँकि हमारी पानी पीने की मिकदार कम हो जाती है तो हमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ये खानी भी चाहिए और असली घी भी खाना चाहिए। तो इस तरह हमने इसमें ये डाल दिया है। अब हम इसे चलाएंगे और भूनते रहेंगे जब तक के घी अलग ना हो जाए और ये हलवा एक जगह इकट्ठा ना होने लगे, राइट। देखिए हमने काफ़ी देर तक इस हलवे को भूना है और बहुत अच्छी तरीके से ये भून चुका है और तकरीबन बनने के करीब है। ये बड़ा मेहनत तलब काम होता है लेकिन घर घर की चीज़ें बच्चों को बना के खिलाएं तो सेहतमंद रहेंगे। देखें एक जगह इकट्ठा होने लग गया है, इट मीन्स कि हलवा हमारा तैयार है। ये देखिए हमारा हलवा अब रेडी है, ये मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी और आपको जो जो जिस किस्म के भी ड्राई फ्रूट आपको अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकती हैं। और थोड़ा हम इसमें पिसा हुआ खोपरा भी ऐड करेंगे, बादाम, पिस्ते, किशमिश, काजू हो तो आप वो भी ऐड कर दिएगा ताकि मज़ीद ये ताकतवर बन जाए और बच्चों को शौक़ से खिलाएं। से बहुत ज़बरदस्त हलवा हमने ये बनाया है, इसका टेस्ट भी बहुत आला है। प्लस ये कि देखें घर की चीज़ों से बना है, हमने कोई इसकी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है जो मुज़िर सेहत हो, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे बना के अपने घर में घर वालों से खूब तारीफ़ें समेटें। हमारा शानदार किस्म का बेहतरीन हलवा अब रेडी है। ये पंजाब स्टाइल हलवा है और जो बहुत क्विक बन सकता है उसी स्टाइल में मैंने आपको सिखाया है ताकि आप जल्द से कोई मेहमान आ जाएं, कुछ आ जाएं तो आप बहुत जल्द इसको बना सकती हैं। ये देखिए हमारा हलवा रेडी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।